વિરામ બાદ આગળ વાત કરીએ તો વાવાઝોડાને લઈને તંત્ર સજ્જ છે, ત્યારે જેતપુરમાં એનડીઆરએફની બે ટીમો આવી પહોંચી છે, તેમાં 28 લોકોની ટીમ જેતપુર પહોંચી છે. ગુજરાતમાં ગણતરીના કલાકોમાં વાયુ વાવાઝોડું આવી પહોંચે ત્યારે આ વાવાઝોડાની અસરો તેના કહેરને ખારવા માટે ગુજરાતનું ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ કામે લાગી ગયેલ છે. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજી, ઉપલેટા, જેતપુર અને તેના મોટાભાગના ગામોને હાઈ એલર્ટમાં મુકાઈ ગયેલ છે. આ વિસ્તારોના રાહત કામગીરી માટે 6 એનડીઆરએફની ટીમ આજે રાત્રે જેતપુર પહોંચી હતી. ટીમમાં 28 જેટલા જવાનો સાથે ડૉક્ટરની ટીમ પણ હતી, સાથે તમામ અત્યંત આધુનિક સાધન અને મશીનરી પણ આવી પહોંચી હતી, જેમાં આરઆરસીસી કટર, મેટલ કટર, આધુનિક બોટનો પણ સમાવેશ થયો હતો. સાથે ફ્લડમાં ફસાયેલ લોકોને બચાવવા માટે તમામ પ્રકારની તૈયારી એનડીઆરએફ ટીમ દ્વારા કરવામાં આવેલ હતી સુરેશ ભાલિયા, ZS TV, જેતપુર. त्रिपाठी जी, आज आप जेतपुर में पहुंचे हैं, एनडीआरएफ के जो साइक्लोन आ रहा है उसकी तरफ से आपकी क्या प्रिपरेशन है और आप कैसे यहां पे काम करने वाले हैं उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर, हमें जो है कलेक्टर ऑफिस राजकोट की तरफ से यहां जेतपुर तालुका में आज तैनाती दी गई है. इसके पहले हम इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर राजकोट में तैनात थे. जैसा कि साइक्लोन वायु जो आ रहा है इसकी आज रात में या कल सुबह तक इस कोस्टल एरिया में टकराने की संभावना है, तो बेसिकली साइक्लोन के दौरान जो सिचुएशन पैदा होती है, एक तो फ्लैश फ्लड की सिचुएशन हो सकती है, दूसरा स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो सकता है, ट्री फॉलन हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल वगैरह फॉलन हो सकते हैं, और तीसरा लोगों को इंजरीज हो सकती हैं. तो इन सारी चीज़ों से निपटने की यदि हम बात करें, इक्विपमेंट एसेसरीज की बात करें, तो एनडीआरएफ टीम के पास बोट, ओबीएम, डीप डाइवर्स, लाइफ बॉय, लाइफ जैकेट, रोप्स, फ्लड से निपटने के लिए ये सारे इक्विपमेंट हैं. और किसी भी प्रकार का कोलैप्स होता है तो उसमें कंक्रीट, वुड, मेटल, डिफरेंट टाइप के पेड़ वगैरह काट करके रोड ब्लॉक्स हटाने के लिए हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं. तीसरी चीज़, यदि लोगों को किसी प्रकार की इंजरी होती है तो उनको फर्स्ट एड देने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स की भी मेडिकल टीम है. इस प्रकार यदि इस साइक्लोन से किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है तो उससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम पूरी तरह तैनात है और राजकोट जिला प्रशासन भी इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है. तो सर जी, एक चीज़ आप ये बताइए कि एनडीआरएफ के कितने लोग जो है, कितने बंदे हैं आज यहाँ पे ड्यूटी पे है, कितने मेडिकल फैसिलिटी की बात कीजिए तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे, कितने डॉक्टर्स हैं और कौन कौन से आपकी टीम में जुड़े हुए हैं? अगर सर जैतपुर तालुका की बात करें तो यहाँ पर 28 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम तैनात है. बाकी सराउंडिंग एरिया में राजकोट के चारों तरफ के डिस्ट्रिक्ट में हमारी लगभग 47 टीमें तैनात हैं. और यहाँ जैतपुर में इस 28 सदस्यीय टीम के साथ जो है 3 डॉक्टर्स और 2 पैरामेडिक स्टाफ की मेडिकल टीम है पूरी दवाओं के साथ.